हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T2X 5G फ़ोन है, तो वीवो T2X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट आइकन्स के जरिए पावर बटन्स की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में, और शॉर्टकट आइकन्स के जरिए पावर बटन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और बिना बटन्स के आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शोर, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे रिस्टार्ट कर सकते हैं फ़ोन को, देख सकते हैं कि सिंपली आपकी सेटिंग्स है शो हो रही है, शो हो रही है। हाँ, शो हो रही है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ से जाना होगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर। शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पर जाकर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स पे चले जाने, जहाँ से एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाकर जो भी आप पावर बटन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और पावर बटन्स की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट आइकन्स के जरिए। देख सकते हैं कि आप शॉर्टकट आइकन्स को अलाउ कर देते हैं तो आपके पास शॉर्टकट आइकन्स आ जाएगा। बटन्स आइकन्स पे जाकर आप एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं और पावर बटन्स की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड आप यहाँ से ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल भी कर सकते हैं, रिस्टार्ट करना चाहें तो कर पाएंगे। तो इस तरीके से बिना बटन्स की प्रॉब्लम, बिना बटन्स के आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं और पावर बटन्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।